तो गाइस महीनों या सालों के बाद अपन वापस आ चुके हैं अपने अंबानी वाले अकाउंट पे। ये एस वाल के तो क्या बात करूं मैं, मैंने कितनी चलाई है इसको और वैसे चलती हुई बहुत बढ़िया है। पे टू विन बोल सकते हो, पे टू विन तो बहुत ही ज्यादा है। देखो कसम से इससे बढ़िया कोई स्किन नहीं लगी है मैथिक के अंदर। बेस्ट गन स्किन इसकी माँ की भाई, पूरी थर्माइट मुंह पे चिपका दी। थोड़ी बहुत सेटिंग इधर थी तो उसको थोड़ा ठीक किया और फिर मेरा फेवरेट मैप लगा स्टैंड ऑफ और गन भी मेरी फेवरेट ही बोल सकते हो तुम लोग। अरे अरे टाइगर की खाल पहन के किधर को निकल लेना भाई तू। अब पता नहीं एक ही बंदा था या इसके टीममेट अलग अलग थे जो सेम चीज यूज कर रहे थे। और मैं फाइनली इन भाई सबसे मरता हूँ जो कि घोड़ों की घास में बैठा है। उसके बाद मिड पर मारता हूँ और ये सर टीम डेड मैच है। इसकी रैंक अभी लेजेंडरी नहीं बल्कि शायद मास्टर पे है, लेजेंडरी पहुंच जाऊंगा अभी थोड़ी दिनों। ओ भाई इसको तो क्या मारा हूँ मैं। तो उसके से मैंने सारे मोड लगा दिए ताकि मेरे को ज्यादा देर नहीं लगे गेम मिलने के अंदर। जो दो शॉट इसको कनेक्ट करे, तीसरा शॉट कनेक्ट ही नहीं हुआ। वाह, मैंने बोला टैप मारूंगा लेकिन उससे को मार दिया। और भाई क्या देखो ये स्विच करके कैसा वापस से इसके ऊपर लेके इसको मारा। थोड़े कोने वगैरह चेक करके इसको भी मारा। अब मैं वापस से उस घास वाले बंदे को देखने गया लेकिन वो घास पे नहीं था क्योंकि इनकी पूरी टीम बैक अली के ऊपर भांगड़ा कर रही थी। ये बंदा स्नाइपर लेके बैठा है। ओ भाई रुक जा रुक जा तू, ये बंदा स्नाइपर लेके बैठा है। आप पिस्तौल निकाली, मैं इसके पीछे इसको पता ही नहीं। टीममेट नूबड़े तू किल चुराया कर। उसके बाद मैंने वो गन यूज की जो कि मैंने किसी को भी लेजेंडरी रैंक के अंदर यूज करते हुए कभी देखी भी नहीं थी। रेसर बैक नाम ही है ना इसका जहाँ तक मेरे को पता वहां तक। और ये लेजेंडरी है, एसएनजी के अंदर आती है और बहुत ही बढ़िया भी चलती है। और ये मास्टर रैंक के बंदों के अंदर गेम प्ले निकालने भी बहुत ईजी था और ये पहले का टाइम का गेम प्ले है। ओके, तब ग्रैंड मास्टर नहीं आया था, सिर्फ मास्टर के बाद लेजेंडरी था तो ये उसका गेम प्ले है। तो ये अब मैं दिखा देता हूँ तुमको क्योंकि मेरे को आईपैड की स्टोरेज खाली करनी है। यहाँ पे इसको मारता हूँ क्या मैं? हाँ, इसको मार के अपने सेंटी गन आ जाती है, इसको रख देता हूँ जो बहुत स्किल निकालती है। अब यहाँ पे सेंटी गन तब तक हम कर रही थी लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए मैं भी चला जाता हूँ। ये हंटर क्लेडोन भाई ऊपर झाड़ के अंदर जाके घुस गया लेकिन यहाँ पे मैंने तीन किल बहुत इजीली निकाली क्योंकि इनका ध्यान अंदर वाले बंदों पे था। बॉय मशीन भी बहुत दिनों बाद यूज की मैंने, बस शॉट करने को किल मिल रहा था वही बहुत था। उसके बाद टेलर का हार्ट पेड़ और टीममेट वालों को सपोर्ट देने के लिए मैंने मिड को क्लियर किया। थोड़ा बहुत जो लोग जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे स्पॉन ट्रैप भी किया। और गाइस तुमको ये वाली आदर साइड कैसे लगी? मतलब क्लियर दिख तो नहीं लेकिन क्या पे टू विद है या नहीं वो कमेंट के अंदर बताना। और यहाँ पे इसके ग्रेट स्पाइक से मैं क्या बचा हूँ। और भाई सामने से बंदा आ गया, मैंने पेड़ मिशन निकाल ली, वो तो अच्छा है सही टाइम पे मैंने हटा भी ली। और जब हार्ट पॉइंट यहाँ होता तो या तो तुम जंगल के अंदर को मारो या फिर जंगल के अंदर ही पुश करो, तुम्हें बहुत अच्छे किल मिलेंगे। तो बंदे वहीं पे रिस्पॉन हो जाएंगे तो तुम इजीली मर भी सकते हो। बाकी इस वाली मैच को तो इजीली जीत लिया अपन ने। उसके बाद अपनी पीस कीपर M2 यूज की, मेरे को ये गन बहुत बढ़िया लगती है लेकिन जो माइथिक वाली पेट हुई ना वही अच्छी चलती है मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि इसकी जो आदर साइट है भाई मस्त क्लीन है। और यहाँ पे एक बंदा आता है मेरे ऊपर से कूद के जाता है, शॉर्ट गन वाला बंदा था ये बेसिकली। एनिमी के साथ थ्रिलर लेके मारने का काम होता है। यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको भी मैं मार देता हूँ और उसके बाद इनके स्पॉन में ही मैं पुश करके इनकी पूरी स्क्वाड खा जाता हूँ। अब मैं वहां से इनको मारा था तो इनका स्पॉन मिड पे आ जाता है और एक मेरा टीममेट क्या किल चोरी कर देला था भाई। अब मैं यहाँ पे वॉल बैंक मार देला था पर बाजू में से अपना शॉटगन वाला बंदा आ जाता है। अब इसको गन से नहीं मारा बल्कि कटाना निकाल के मारा, वो इजी पड़ता क्योंकि ये तो भाई क्लोज ही आने वाला था। तो मैंने इसको मार के इसकी शॉटगन उठा ली। पीछे एक और बंदा था जिसको मारा डीवीडी ठुल्ला नाम का ठुल्ला। और यहाँ पे भी एक और बंदा जिसको स्लाइडिंग शूट करके इजीली मार दिया वो। अच्छा तो मैंने भाई बहुत पहले का गेम था तो पता नहीं मेरी पीस कीपर की एक्चुअली में एमओ खत्म हो गई थी इसलिए मैंने वहाँ पे कटाना निकाला होगा। वैसे ये कौन सी स्किन है भाई डीआरएच की? फर्क का मुंह नहीं पाड़ेगा, लड़की का पूरा पोस्टर लगा दिया इधर और उसी के चक्कर में मैंने यहाँ पे चोक कर दिया। बहुत बढ़िया अब इसकी शादी में आया ना, मैं तो इधर हल्दी लगा के चला गया लेकिन उसके बाद इसको मैंने बताया कि तेरे से वो एक भूलताप में निकल गया किल। फिर वापस वहीं पर पुश करके इस एनिमी को मारने के तुमको धोने पड़ गए। मेरे को लगा कि ये बंदा अपना नहीं है बल्कि सामने वालों का, बाद में पता लगा अपना ही है। छोड़ो छोड़ो इसको, जो मेरे से पुश करेगा उसकी जिंदगी हराम बनाने के लिए सेंटी गन भी लगा दी। उसके बाद क्या भयंकर लेवल पे फ्री एमिंग की और फ्री फायर किया भाई भाई मजा आ गया। और अब मैं यहाँ सीधा मिड पे पुश करने जाता हूँ। अरे मिड नहीं साइड में जाता हूँ नीचे फूल जो उसमें मैं तो पुश करने चला था लेकिन भाई पूरा खानदान आ गया इनका। इधर मूवमेंट है के बच्चा अपना पूरी फायर निकाला पानी वाला और इनको पानी से बहुत एलर्जी थी, आई नहीं लेते भाई पता नहीं कितने सालों से नहाए नहीं थे। तो वो सब बंदों पीछे पत्थरों गैलरी और जो वनी रूम ने तो उधर बैठे लेते। यहाँ पे ये बंदा देखो हमारे बेस के अंदर बैठे है। ये पुल के पास आना मतलब तुम्हारा सैंडविच बनना लेकिन फिर भी मैं बच जाता हूँ। हेल्थ थोड़ी लो थी तो दिमाग का यूज करके पौधा बन गया। मेरे को तो लगा मुझे देखेगा कौन लेकिन
भाई एक सेकंड के अंदर पकड़ा गया। वैसे भी खाते पीते घर के सेंटा की स्क्रीन लगा रखी है तो कोई भी पकड़ लेगा अपने को। फिर मैं इधर आके वॉल बैंगर में बिजी हो जाता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरी गन उठा के मेरे को ही मार के चला जाता है। मैंने सोचा भाई बेचारे ने पहली बार इतने अच्छे, ये भी पौधा बन चुका, वाह। मैंने बोला इसको नई नई गनों के टेस्ट कराता हूँ मैं, तो मैं खोल गए भी निकाल ली और पहला के लिए वॉल बैंगर में आया। मेरी गोलियों से कोई दीवार तुम्हें नहीं बचा सकती है। मेरे को लगा कोई पौधा बन चुका होगा लेकिन नहीं था। उसके बाद इस बंदे को मारा, क्या मत छोट लगा बे, शोका सी आई लेकिन आके वो भी गई और यहाँ पे इसका अनलेटर भी नहीं चल पाया। वाह, मैं थोड़ा और आगे पुश करता हूँ और भाई गन हटा के कटाना से मार ना दे लेते मेरे को। ये गोल्डन कैमो वाला भी नहीं मार पाया और ये बंदा डेथ मशीन लगे नहीं मार पड़ा। भाई होल गए गन भी है या कोई ऑपरेटर स्किल को गलती से गन के अंदर डाल दिया तुम लोगों ने, चल ले लिए देखो। उसके बाद तुम लोग की नजर लग गई और इस बंदे को मैं मार ही नहीं पाया। ये कितना बढ़िया बंदा खेल लेला, उसको नजर ही मारा तो तुम लोग। फिर मैं आज यार बन की लेजेंडरी स्किन ले लेता हूँ। तुम में से बहुत कम लोगों ने इस वाली स्किन को देखा होगा, ये बहुत ही खतरनाक और बढ़िया स्किन है, कसम से बता देता हूँ। बहुत कम लोगों ने लिया था क्योंकि वो टाइम पे अभी तक आज का कोई ऐसा बफ आया ही नहीं है। और वैसे भी जो उसकी आनंद साइड डिफॉल्ट स्किन की वो भी बहुत बढ़िया है। इसके सामने मैं सर्कस कर लेता हूँ, सर्कस देखने के 5 रुपए लगेंगे, उधारी पे है तू। अब एक किल करना था और इनका एक बंदा कोने में बैठा है। भाई वो भीख मांगने बैठा या वॉचमैन है इस घर का। भाई आपका स्टेडियम में कोई काम नहीं है, आप जाके हार्ड पॉइंट खेलो, उधर आपको बहुत इज्जत दौलत शोहरत मिलेगी। उसके बाद मैंने एक गेम लगाई, अब रात के 5 बजे में गेम, रात के या सुबह के, ए अगर छोड़ो रात हो या सुबह, बंदे नहीं थे खेलने वाले इतना सोच लो। तो इन लोगों ने ओरिजिनल बंदों की लॉबी जो बॉट जैसी थी उसके अंदर मेरे को डाल दिया, ये असली बंदे थे। ये देखो अपना इंडियन प्लेयर था। अब जहाँ तक मेरे को लगा ये वाला बंदा बॉट था या क्या पता बंदा, क्योंकि बॉट अच्छे तो ऐसे ही करते हैं। भाई मेरे को कुछ नहीं पता, यहाँ पे इस वाले बंदे को भी मारा, MX90 है तो बंदा ही था। अब मैंने हंटर क्लोन छोड़ा, मेरे को लगा ये बंदे को मार देगा, तो भाई मैंने ट्राई नहीं किया और उसने अपने आप को मौली से मार दिया। भाई गांजा वांजा फूक के गेम खेल ले ये लोग। वुडन टॉप पे एक बंदा ए को बी को जो भी बचा देना था उसको भी मारा। स्कोस्टिकल लॉक हो गई थी तो उसको मैंने लगा दिया, एनिमी की बी के उठाए। वैसे जो होल गए साइड होती है ना अभी बढ़िया चलने लग चुकी है आजकल, मैंने बहुत बार नोटिस किया ये चीज। तो अगर तुम्हें कैसे बंदा जिसको रेड डॉट नहीं गमना, आदम साइड नहीं गमनी, तो देख लो भाई होल गए साइड चला के, क्या पता तुम्हें अच्छे लगे। होल गए थी होलोग्राफिक। यहाँ पे M4 लेके इन सारे बंदों को मारा, ये भी बंदे की M4 थी क्योंकि बॉट के M4 के अंदर चाम नहीं होते। पता नहीं इनके घर में घुस के मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, मतलब ये इनका स्पॉन था और मेरे को खाने पीने की जगह गैरेटी स्पाइक मानी जा रही थी। तमीज नाम की चीज इनके अंदर मेहमानों की किस तरह इज्जत करते, तो मैं इनको न्यूक मार दूंगा। उसके बाद आएगी चाय के साथ गुड डे बिस्किट। अब यहाँ पे राउंड खत्म हो जाता है और जैसे दूसरा राउंड चालू होता है अचानक से भाई न्यूक एक्टिवेट हो जाता है। मैं देख लो ये हो क्या देना भाई, लेकिन फिर पोपट हो गया अपना, किसने चालू करा मैच को, साला न्यूक मारने वाला था मैं। ये लोग फुल कमबैक के मूड में थे, भाई मैच चालू नहीं हुआ और इनका बी लेना चालू हो चुका है। ए उससे पहले ये लोग लीव करके भाग जाए, फटाफट न्यूक मार के इनको बताता हूँ मैं प्रो प्लेयर हूँ, मेरे को चार बिस्किट दो। तो मैं इस वाले अकाउंट के ऊपर खेल के जितनी भी नई नई चीजें और स्किन है जो मैंने इसके अंदर यूज नहीं किए वो करने वाला हूँ। एक बहुत ही मस्त सीरीज स्टार्ट करने का भी मैंने सोचा, तो देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी जिस तरह से लोग सबके व्यूज आ रहे हैं, क्वालिटी का आखिरी नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई ना अपनी तरह से पूरी मेहनत करते अपन। तुम लोग बस ऐसे ही प्यारा सपोर्ट दिखाते, तो मैं तुमको मिलता हूँ अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।